भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष में कीर्तिमान रचने को तैयार है। जी हाँ, वो घड़ी आ गई है जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर सकता है। अगर मिशन सफल रहा तो इंडिया ऐसा चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ चीन, अमेरिका और रूस चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग करा चुके हैं। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख की पुष्टि करते हुए कहा कि सारी तैयारी हो चुकी है और 12 से 19 जुलाई के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया जाएगा। वहीं ये दावा भी किया जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे हो सकती है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए इसरो का ये तीसरा बड़ा मिशन है, इसलिए इसे चंद्रयान 3 नाम दिया गया है। आपको बता दें, इसरो ने सबसे पहले 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में सफल रहा था। उसके बाद 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 से दूसरा प्रयास किया था, लेकिन चांद पर लैंड होने से पहले ही रोवर में खराबी आने की वजह से मिशन असफल हो गया था। एक तरह से चंद्रयान 3 दूसरे मिशन का ही फॉलो अप है। इसमें वो सफलता हासिल करने की कोशिश की जा रही है जो चंद्रयान 2 के समय अधूरी रह गई थी। आइए अब आपको बताते हैं चंद्रयान 3 है क्या। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अगला प्रोजेक्ट है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और उसकी परीक्षण करेगा। यह चंद्रयान 2 की ही तरह दिखेगा, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा। चंद्रयान 3 का पूरा फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। बताया ये भी जा रहा है कि मिशन की सफलता के लिए इसमें नए नए उपकरण भी बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है, और जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हुआ था, उन पर ज्यादा फोकस किया गया है। चंद्रयान 3 से इसरो जिस रोवर को चांद की सतह पर उतारेगा, उसे एक चंद्र दिन की अवधि के लिए तैयार किया गया है, यानी कि ये रोवर चांद पर एक पूरा दिन बिताएगा। लेकिन खास बात इसमें यह है कि चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है, यानी लगातार 14 दिनों तक ये रोवर धरती पर चांद के बारे में जानकारी भेजता रहेगा। अब आपको बता दें, इस मिशन में खर्च कितना है। इसरो का चंद्रयान 3 तकरीबन 615 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। हालांकि इसका ओवरऑल खर्च देखे तो 1000 करोड़ के आसपास होगा। वैसे इतने कम पैसों में हॉलीवुड की शायद ही कोई मूवी बनती होगी। खैर, बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल पर तकरीबन 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि इसकी लॉन्चिंग पर 365 करोड़ रुपए खर्च किए गए जाएंगे। जिस GSLV-MK3 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा, उसकी लागत भी करीब 350 करोड़ के आसपास है। तो सभी भारतीयों को अब बस 13 जुलाई का इंतजार है, जब पूरे विश्व और पूरे अंतरिक्ष में भारत का डंका बजेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।